नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों कई वर्षों के बाद ऐसी कृपा आपके जीवन पर रहने वाली है माँ काली की। जी हाँ दोस्तों, आने वाले चार दिन आप सभी के लिए ऐसे खुशनुमा व्यतीत होंगे जिन्हें देखकर आपके आँखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले आपके सारे रुके हुए कार्य इसमें बनने वाले हैं। जिन कामों में आपको बहुत ज़्यादा देर लगी थी, जिन कामों में आपके बहुत ज़्यादा समय लगा था, फिर भी वह काम पूरा नहीं हुए थे, लेकिन दोस्तों यह ऐसा समय है जब आपको उन सभी कार्यों के पूर्ति हुए खुद अपनी आँखों से देखेंगे और यश में अपने आँखों से आंसू रोक नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे यश में आपके कौन कौन से कार्य बनेंगे और माँ काली की कृपा आपके जीवन में किस प्रकार होंगी और कौन कौन से कार्य में माँ काली की कृपा वृद्धि करने वाली है। आपके घर का माहौल यश में कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। दोस्तों आपको बताएंगे यश में आप आर्थिक स्थिति और धन को लेकर तैयारियां कैसे होते होंगे। माँ काली के आशीर्वाद से आपके जीवन में यश में कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियाँ आपको मिलेंगी और कौन कौन से क्षेत्रों में आपको लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, पूरे विस्तार से वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। ग्रह गोचर के आधार पर आप सभी के लिए विशेष तौर पर निर्मित किया गया है तो इन्हें अंत तक देखना आपके लिए दायित्व होगा, तो इन्हें मिस ना करें और अंत तक देखें। उससे पहले दोस्तों, जो भी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिखेगा, माँ काली का सीधा आशीर्वाद आपके जीवन पर होगा, तो जरूर लिखिएगा। और चैनल पर भी नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, माँ काली से जुड़े और आपके रास्ते से जुड़े सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं। दोस्तों यह समय अपनी व्यस्तम दिनचर्या से कुछ समय अपने परिवार और संबंधियों के लिए अवश्य निकालें। इसी दोस्तों आप तनाव मुक्त और ऊर्जावान भी महसूस करेंगे। अपनी प्रतिभा के दम पर आप अपनी अलग पहचान बनाने में भी यह समय कामयाब रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों किसी भी विपरीत परिस्थिति में भावनाओं के आवेश में ना आए। कोई लक्ष्य आपकी आंखों से जो है ओझल हो सकती है। प्रत्येक कार्य को ठंडे दिमाग से सोच विचार करके ही करें। साथ ही बच्चों की समस्याओं के समाधान में अपना अवश्य सहयोग दें, ये आपके लिए आवश्यक होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि भावनात्मक रूप से जो समय है आपके लिए आपको सकारात्मक महसूस हो सकता है, जिसकी वजह से जो भी विचार या फिर भावनाएं आपके लिए तकलीफदायक हो रही थी दोस्तों उनको जीवन से दूर करना आपके लिए यशमय संभव हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए आपके प्रयत्न यशमय जारी रहेंगे, फिर भी वक्त का लिहाज याद रखना भी आपके लिए यशमय अत्यंत आवश्यक होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि किसी धार्मिक कार्य के प्रति आपकी रुचि रहेगी। संतान की किसी एक्टिविटी से स्वयं को गर्वित महसूस करेंगे। खर्चों की अधिकता भी रहेंगी, परंतु ये खर्चे कुछ बेहतर और भविष्य संबंधी शुभ योजनाओं के लिए होंगे, इसलिए घबराए नहीं। और इसके साथ ही दोस्तों कभी कभी आपका संकलानु स्वभाव बनते कार्यों में रुकावट डाल सकता है, इसलिए दोस्तों ये जो समय है आपके लिए अपनी इस आदत पर कंट्रोल करने का प्रयास करें। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार का रिस्क लेने की प्रवृत्ति से इसमें आपको दूर रहना चाहिए। और इसके साथ ही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों खुद को आर्थिक स्वरूप से सबल बनाने की आपकी कोशिश इसमें सफल हो रही है, लेकिन दोस्तों केवल पेशों की तरफ ही ध्यान देने की वजह से व्यक्तिगत बातों को नज़रअंदाज करना आपके लिए इसमें भविष्य में तकलीफदायक रह सकता है। इसलिए दोस्तों रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाने की कोशिश करते रहें, क्योंकि ये आपके भविष्य संबंधी सभी कार्यों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें किसी सामाजिक संस्था में आपके अच्छे सहयोग की वजह से आपका इसमें मान सम्मान भी बढ़ने वाले हैं। आप अपनी दिनचर्या से हटकर कुछ नए क्रियाकलापों और ज्ञानवर्धक बातों को सीखने में भी अपना समय व्यतीत करेंगे। आपके व्यक्तिगत में यश में निखार आने वाले हैं। और इसके साथ ही दोस्तों यश में आर्थिक समस्या के कारण आपको अपनी कुछ योजनाएं स्थगित भी करनी पड़ सकती है। किसी नजदीकी रिश्तेदार से संबंधित कोई अशुभ सूचना मिलने से मन में कुछ जो है वैराग्य जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही दोस्तों यश समय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि बनते हुए काम अचानक बिगड़ने की वजह से आपको मानसिक तकलीफ का सामना भी करना होगा, फिर भी परिस्थिति को पूरा समझकर आगे बढ़ने की आपको आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि आपकी किसी गलती की वजह से ही आपको यह असफलता मिली है, इसे मिटाने की कोशिश आपको फिर से करनी होगी। और इसके साथ ही दोस्तों आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यह समय
काफी समय बाद घर में मेहमानों के आगमन से खुशनुमा वातावरण भी रहेगा तथा एक दूसरे के मेल मिलाप बेहतरीन दिनचर्या से राहत आपको देने वाले हैं। और इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि कुछ समय से आप स्वयं का आत्म अवलोकन करने का जो प्रयास कर रहे हैं इसके सकारात्मक परिणाम जल्द ही आपके सामने आएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय अवांछित लोगों से कुछ दूरी बनाकर रखने आपके लिए उचित रहेंगे। कुछ लोग आपकी छवि को खराब करने का इसमें प्रयास भी करेंगे। अपना व्यवहार संयमित रखें, क्रोध और आवेश में स्थितियां ज़्यादा बिगड़ सकती है तो इन पर आपको जो है रोक लगानी चाहिए, ये आपके लिए इसमें बेहतर साबित होंगी। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय फिलहाल आपको परिस्थिति के सामने झुकना पड़ेगा। यदि बातें अधिक नकारात्मक हो रही हो तो दोस्तों अपने आसपास की ऊर्जा को बदलने की कोशिश करें। जिन व्यक्ति से अधिक नकारात्मकता प्राप्त होती है ऐसे लोगों से कुछ दिनों के लिए दूरियां बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। आपको मिल रहे जो है अपयश की वजह से लोगों द्वारा हो रही आलोचना भी आपकी बढ़ सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय दिन के दूसरे पक्ष में ग्रह गोचर आपके लिए अनुकूल है, इसलिए दोस्तों दिन की शुरुआत होते ही आपको कार्य संबंधी रूपरेखा बना लेना चाहिए ताकि दोस्तों समय का अधिक से अधिक फायदा उठाया जा सके। परंतु नौकरी तथा व्यवसाय में ध्यान रखें कि किसी प्रकार की व्यवस्था में कोई दिक्कत भी आ सकती है, इस कार्य में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही दोस्तों व्यवसाय की बाधाएं काफ़ी हद तक आपकी दूर भी होंगी, परंतु आर्थिक स्थिति मंद रहने की वजह से आत्मविश्वास भी आपका थोड़ा सा डगमगा सकता है, लेकिन इसमें आपको धैर्य का दामन थामते हुए आगे बढ़ना है। आगे आपका सफलता इंतजार कर रहा है दोस्तों, बशर्ते आपको इसमें ध्यान रखते हुए आपको उचित परिश्रम करने की आवश्यकता होगी जो कि आपको सफलता के राह पर ले जाने वाली है। दोस्तों नौकरी में आपके जो भी कार्य हैं उच्चतर परिणाम भी इसमें हासिल करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि सरकारी शुरुआत व्यक्तियों को अपनी मनपसंद अथॉरिटी मिलने से शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी जिसमें प्रमोशन की भी उम्मीद है। व्यवसाय में यह जो समय है आपके लिए अतिरिक्त आय की भी शुभ स्थितियाँ बढ़ रही है। और इसके साथ ही दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि नौकरी और बिजनेस में का माहौल जो है अपने अनुकूल बनाने में आप सक्षम रहेंगे। सौंपी हुई जिम्मेदारियों का भी निर्वहन आप इसमें बहुत ही बखूबी तरीके से करने में कामयाब रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जो समय आपके लिए हो सकता है कि कोई दिक्कत आने पर आप अपने वसूलों और फिर सिद्धांतों से कुछ समझौता भी कर सकते हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता रह सकती है परंतु घर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि जीवन साथी के साथ किसी पारिवारिक समस्या का जो है समस्या को लेकर तकरार रह सकती है, परंतु आप जो है अपने सूझबूझ द्वारा उसका असर पारिवारिक सुख शांति पर नहीं पड़ने देंगे। और इसके साथ दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि अफेयर्स के मामलों में आपको इसमें सावधान रहने की आवश्यकता होगी। अपनी कोई गुप्त बात बाहर आ सकती है जिसका दुष्प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ेगा, तो दोस्तों यश में इनसे सावधान रहने की आपको आवश्यकता होगी। घर का माहौल भी शांतिपूर्ण और खुशनुमा बना रहेगा, परंतु जीवन साथी के साथ किसी मुद्दे को लेकर हल्की फुल्की नोकझोंक हो सकती है, तो दोस्तों यश में आपको इन सभी चीज़ों को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता होगी। साथ ही अगर स्वास्थ्य की बात करें तो दोस्तों यश में मौसम की वजह से कोई एलर्जी होने की आशंका बन रही है। बिना वजह लोगों से मेल जोल ना रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि शरीर में भारीपन तथा मनोबल में कमी महसूस करेंगे। आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए आपको यश में ध्यान और मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत घुटनों और फिर जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ सकती है। बदलते मौसम से अपना बचाव करें तथा व्यायाम और योगा का भी जो है समय जरूर निकालें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे।